हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी, योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट वन। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो टॉपिक्स होंगे सेल साइकिल, एम फेज, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, मियोसिस एंड लास्ट टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो जैसा कि हम जानते हैं, सभी ऑर्गेनिजम्स या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी लाइफ को एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट करते हैं। आइदर दे आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हों या फिर यूकैरियोट्स हों, सभी अपनी लाइफ को सिंगल सेल से ही स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेल्स के। ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू डॉटर सेल्स, और ये जो न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स होते हैं ये ग्रो करते हैं, देन अगेन डिवाइड करते हैं, एंड इससे प्रोड्यूस होता है पॉपुलेशन ऑफ सेल्स। तो सच साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर Consisting of millions of cells. अब बात करते हैं इस चैप्टर के पहले टॉपिक सेल साइकिल की। तो सेल साइकिल कैसे डिफाइन करेंगे? सेल साइकिल क्या होता है? ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है जिसमें एक के बाद एक इवेंट सीक्वेंस में होते चले जाते हैं। सबसे पहले सेल डुप्लीकेट्स करता है अपने जीनोम को, यानी कि जेनेटिक मटेरियल्स की कॉपी बनाता है। देन ये सिंथेसाइज करता है सेल के बाकी कंस्टिट्यूएंट्स को भी, और उसके बाद ये डिवाइड हो जाता है इनटू टू डॉटर सेल्स। तो इन्हीं सभी इवेंट्स को हम कहते हैं सेल साइकिल। तो इस पूरे सेल डिवीजन में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एंड सेल का ग्रोथ होता है। तो सेल ग्रो करता है एंड सेल डिवीजन होता है इस पूरे सेल साइकिल में। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये ऐसे ही नहीं हो जाता है, ये कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, ताकि हर एक जो इवेंट है वो अपने करेक्ट सीक्वेंस में हो और डिवीजन भी करेक्ट हो। यानी कि जितने भी सेल्स हैं उनके पास परफेक्ट इंटेक्ट नंबर ऑफ जीनोम्स पहुंचे। जो सेल ग्रोथ का जो प्रोसेस है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, यानी कि जो साइटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट का जो इंक्रीमेंट है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जो कि थ्रू आउट चलता रहता है। लेकिन इस पूरे इवेंट में जो डीएनए का सिंथेसिस है, यानी कि जो सेल डुप्लीकेट्स करता है अपने जीनोम को, वो वाला जो इवेंट है वो एक स्पेसिफिक स्टेज में ही होता है सेल साइकिल के। तो डीएनए का रेप्लिकेशन होने के बाद जो ये जेनेटिक मटेरियल्स हैं ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। और ये जो सारा प्रोसेस है ये अंडर जेनेटिक कंट्रोल होता है। तो अब हम बात करेंगे फेजेज ऑफ सेल साइकिल की। तो ये है पूरा सेल साइकिल जिसमें एक के बाद एक फेज शुरू होता है। तो सेल साइकिल ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। इसकी जो ड्यूरेशन है, अगर हम एक यूकैरियोटिक सेल की बात करें, यानी कि हम एक ह्यूमन बींग भी यूकैरियोट्स में ही आता है, तो अगर हम एक ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल का जो डिवीजन है उसे अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स लग जाते हैं। वहीं अगर किसी और ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो वहां पे ये वेरी करेगा। जैसे कि ईस्ट, एक एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, ईस्ट को लगभग 90 मिनट्स लगते हैं एक पूरा सेल साइकिल कंप्लीट करने में। तो सेल साइकिल को यहाँ डिवाइड किया गया है इनटू टू बेसिक फेजेस। पहला है इंटरफेज और दूसरा है एम फेज। तो ये जो आप रेड कलर में ये पोर्शन देख रहे हैं ये है पूरा एम फेज, और इसके अलावा ये जो पूरा आपको ब्लू में दिख रहा है ये है सारा इंटरफेज। तो एम फेज आपको काफी छोटा दिख रहा होगा और ये सारा क्या है, इंटरफेज। तो इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप।
तो अगर हम एम फेज की बात करें इस पूरे सेल साइकिल में, तो इट रिप्रेजेंट द फेज व्हेन एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर, और जो इंटरफेज है इट रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि ह्यूमन सेल को अपना पूरा सेल साइकिल कंप्लीट करने में 24 आवर्स लग जाते हैं, जिसमें से सिर्फ जो एम फेज है उसे 1 घंटा ही लगता है, यानी कि एम फेज का ड्यूरेशन होता है 1 आवर। बाकी का जो 23 आवर्स है, यानी कि 95% जो ड्यूरेशन है वो होता है फॉर इंटरफेज, यानी कि सेल 95% ऑफ ड्यूरेशन इंटरफेज में ही रहता है, सिर्फ 1 घंटा उसे एम फेज में लगता है, यानी कि एक्चुअल सेल डिवीजन में लगता है। तो सबसे पहले बात एम फेज की करते हैं। एम फेज की जो स्टार्टिंग है वो न्यूक्लियर डिवीजन से होती है, विच कंटिन्यूज विद सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स, जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, एंड इसकी एंडिंग होती है विद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं, यानी कि कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ये दो इवेंट्स हैं जो एम फेज में होता है, यानी कि एक्चुअल सेल डिवीजन के टाइम पे होता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड साइटोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इंटरफेज की बात करें तो इसे रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है, जिसमें सेल खुद को प्रिपेयर करता है फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन एन ऑर्डरली मैनर। और जो इंटरफेज है इसको डिवाइड किया गया है इंटू 3 फर्दर फेसेस, जो कि आपको इस साइकिल में दिख रहा होगा। सबसे पहले है G1 फेज, जिसे गैप 1 भी कहा जाता है, विच इज फर्स्ट ग्रोथ फेज। देन आता है S फेज, जिसे सिंथेसिस फेज भी कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे डीएनए सिंथेसाइज होता है। और थर्ड फेज है दैट इज G2 फेज, जिसे गैप 2 भी कहा जाता है, विच इज सेकेंडरी ग्रोथ फेज। तो इंटरफेज की स्टार्टिंग होती है G1 फेज से, विच इज बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि S फेज, इन दोनों के बीच में आता है G1 फेज। ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है एंड कंटिन्यूसली ग्रो करता है, बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो सेल है वो कंटिन्यूसली ग्रो करता है एंड काफी ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव भी हो जाता है, बट डीएनए यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं करता है। तो इस तरह से जो सेल है ये जस्ट ग्रो कर रहा है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, बट रेप्लिकेशन नहीं हो रहा यहाँ डीएनए का। देन आता है G1 के बाद S फेज। S फेज को सिंथेसाइज फेज भी कहते हैं, मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। तो एक्चुअली डीएनए का रेप्लिकेशन जब होता है दैट इज एट S फेज। इस तरह से ये सेल है जो कि S फेज में अंडरगोज रेप्लिकेशन। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। तो पर सेल जो डीएनए का अमाउंट है, इस तरह से ये डबल हो जाता है एट S फेज। यहाँ पे एग्जाम्पल देके आपको बताया गया है कि अगर जो डीएनए का अमाउंट है, अगर उसको हम 2C से डिनोट करें, तो आफ्टर S फेज ये जो अमाउंट है वो 2C से 4C हो जाता है। तो इस तरह से जो डीएनए है इट बिकम्स डबल। बट अगर एट G फेज पे अगर जो सेल है वो डिप्लॉइड होता है, उसमें डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, यानी कि 2N क्रोमोसोम्स है, तो आप ध्यान रखेंगे आफ्टर S फेज जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो सेम ही रहता है, यानी कि 2N ही रहेगा। तो ध्यान रखेंगे G1 फेज में अगर सेल N है, उसमें N नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो इट बिकम 2N डबल हो जाता है। बट अगर G1 फेज में क्रोमोसोम नंबर 2N है तो भी वो S फेज में 2N ही रहेगा। इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग द S फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस
एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। तो ये ध्यान रखेंगे, डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो न्यूक्लियस में स्टार्ट होता है और जो सेंट्रियोल है इट डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। तो ये है आपका सेल और ये है न्यूक्लियस जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और ये है सेंट्रियोल विच डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। ओके, अब आता है नेक्स्ट G2 फेज। तो अभी हमने G1 फेज को समझ लिया, S फेज को समझ लिया, अब हम समझते हैं G2 फेज को। ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। तो G2 फेज में जो है सेल ग्रो करता रहता है और यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है क्योंकि प्रोटीन चाहिए ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे जो है सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा है फॉर M फेज। सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ सेल्स जैसे कि हर्ट के सेल्स हैं ये डिवाइड नहीं करते हैं एंड मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के सेल हैं जो कुछ सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं, जैसे कि हार्ट के जो सेल्स हैं दे कांट डिवाइड, एंड कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि ओकेजनली कुछ स्पेशल स्टेज पे ही डिवाइड करते हैं, जैसे कि किसी इंजरी में या फिर सेल डेथ के टाइम पे। अब आता है नेक्स्ट G0 फेज। तो यहाँ G1 फेज में ही आपको ये सेपरेट से एक साइकिल दिख रही है, दैट इज फॉर G0 फेज। तो ये क्या है G0 फेज, इसको समझते हैं। द सेल दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज। तो वो सेल्स जो डिवाइड नहीं करेंगे, जो डिवाइड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वो G1 फेज से ही एग्जिट कर जाते हैं, यानी कि वो S फेज में एंटर ही नहीं करते हैं एंड दे एंटर इनटू एन इनएक्टिव स्टेज जिसे G0 फेज कहते हैं, यानी कि क्विसेंट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल कहते हैं। तो ये जो सेल्स हैं ये ना ही S फेज में एंटर करेंगे, ना ही G2 फेज में, ना ही कोई डिवाइड किसी डिवीजन में पार्टिसिपेट करेंगे। सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलीफरेट unless called on to do so depending on the requirement of the organism. So यहाँ सेल एक्टिव तो होते हैं लेकिन डिवाइड नहीं करेंगे, इसे कहेंगे G0 फेज। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये G0 फेज। तो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं हमारी बॉडी में दो टाइप के सेल्स होते हैं, सोमैटिक एंड जर्म सेल्स। तो जो माइटोटिक सेल डिवीजन है ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में होता है। डिप्लॉइड सेल्स जो कि सोमैटिक सेल्स हैं उनमें ही हमें माइटोटिक सेल डिवीजन देखने को मिलता है। वहीं प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में माइटोटिक सेल डिवीजन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों ही सेल्स में देखने को मिलेगा, जैसा कि हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में पढ़ चुके हैं। प्लांट्स में जो जाइगोट है विच इज डिप्लॉइड इट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन एंड वहीं जो स्पोर्स है विच इज हैप्लॉइड इट ऑल्सो अंडरगो माइटोटिक सेल डिवीजन। आई होप आपको आज के सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। अगर आज के किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा M फेज। तब तक स्टूडेंट्स आप आज के सभी टॉपिक्स को अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कवर हो गया है। टिल दैट स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी सी यू सून।